नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। सो यूके के क्वेश्चन बार बार आता है कि यूके पढ़ने नहीं जाना क्योंकि वहां जाके पीआर नहीं मिलती, यूनिवर्सिटी की फीस आई है आगे चल के स्कोप नहीं है, क्या सिनेरियो, क्या पीआर मिलती है कि वापस आना पड़ता है। सो इस बारे में वीडियो रहेगी, आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको काफी हद तक आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और स्टूडेंट वीजा के एप्लीकेशन के लिए कोई भी आपकी क्वेरी, आप एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो आप वीजा ऑफिस की टीम को कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 90410 90410। सो यहाँ पे यूके की बात करेंगे। यूके आज की डेट में जब इतना लीनिएंट है, सिस्टम स्मूथ चल रहा है, यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है, कम परसेंट वालों को भी एडमिशन मिल रहे हैं, कैश लेटर मिल रहे हैं, वीजा एप्लीकेशन लग रही है और वीजा सक्सेस रेशियो भी अच्छी खासी चल रही है, तो इस माहौल में जब इतनी सक्सेस रेशियो है, वीजे आ रहे हैं, बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो भी कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि वहां जाएंगे तो वहां जाके पीआर का स्कोप नहीं है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यूके ने स्किल्ड कैटेगरी का, हाई स्किल्ड कैटेगरी का जो वीजा है ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या बच्चों को रहती है कि बच्चे चाहते हैं कि जैसे कैनेडा का सिस्टम है कि आपने पढ़ाई की, पोस्ट स्टडी वर्क राइट मिल गए, उसके बाद कुछ भी काम कर लो, चाहे वो कारपेंट्री का काम भी कर लो, कोई भी काम कर लो, आप चाहे प्लम्बिंग का काम कर लो, पीआर मिल जाती है। लेकिन यूके हाई स्किल्ड वीजा का मतलब क्या है कि वो हाई स्किल को ही प्रमोट करना चाहते हैं। अगर उनके पास जगह लिमिटेड है तो वो चाहेंगे कि उनके पास बच्चे जो है वो स्किल्ड रहे। अब आपके पास मौका होता है हाई स्किल्ड कैटेगरी में वीजा लेने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस कैटेगरी को बता दूं, इस कैटेगरी के लिए आपको 70 जो होते हैं मार्क्स पूरे करने होते हैं। 70 पॉइंट कैसे पूरे होते हैं, आपने जॉब ऑफर लेनी है, आपकी स्किल से मैच करनी चाहिए तो 40 पॉइंट आपके वो आगे, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आप मैच करते हो तो 10 पॉइंट आपके वो आगे, 50 यहाँ पे हो गए। और अगर आपकी जो सैलरी है वो 25,000 pounds से ऊपर है तो 20 आपको और मिल गए, 70 पूरे हो गए। किसी कारण आपकी थोड़ी बहुत कम रह जाती है तो अगर आपकी जॉब जो है वो शॉर्ट लिस्ट में चल रही है कि जहाँ शॉर्टेज चल रही है एम्प्लॉयज की, जहाँ उस लिस्ट में ऑक्यूपेशन में शॉर्टेज जो चल रही है उस कैटेगरी में आती है, क्योंकि इसके जो ऊपर जो पर्टिकुलर मैक जो होता है माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, वो अपनी डिटेल एनालाइज करके रिपोर्ट प्रेजेंट करती रहती है, तो अगर आपकी ऑक्यूपेशन उसमें आती है तो भी आपको अलग से 10-20 पॉइंट मिल जाते हैं, और अगर आप पीएचडी वाले बच्चे हो तो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं, तो यहाँ पे 70 पॉइंट पूरे हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने जो पहले आपको वीजा मिला, मान लो को बैचलर वाला बच्चा गया, उसको 3 साल 3.5 साल का वीजा मिला बैचलर करने के लिए, फिर 2 साल के पीएसडब्ल्यू मिले। अगर आप वो बच्चे हैं, 3 साल में आपने पढ़ाई नहीं की, आपने स्टडी पूरी नहीं की और आप सोच रहे हैं कि आपको पीआर मिल जाएगी, तो आपको पता है फिर वो एक्स वाई जेड वाले रीजन रहेंगे कि वहां जाके मैरिज करवा लो, ऐसे कुछ सिस्टम देख लो, फिर तो वही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। लेकिन अगर जनरल वे में जाते हैं तो उनको स्किल्ड बंदे चाहिए। ब्रेक्जिट के बाद क्या हुआ कि डायरेक्ट वो शेनिंगन के जो बंदे हैं उनको नहीं बुला सकते, उनको वीजा लेके आना पड़ेगा इसी कैटेगरी के अंदर, तो वहां पे क्योंकि शेनिंगन में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह काफी अच्छी हैं, तो वो वाले थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड करेंगे क्योंकि काफी पहले आते थे, अब जो वो नहीं रहेंगे, चाहे स्किल्ड चाहे नॉन स्किल्ड आप बात कर लो। तो यहाँ पे सबके लिए ग्लोबली उन्होंने लॉन्च कर दिया कि इस स्किल के अंदर अगर स्किल आपके पास है तो हम आपको वेलकम करेंगे। स्टूडेंट के पास चांस क्या है, शेनिगन का, यूरोप का बच्चा वहां पढ़ने नहीं आता, कम आता है क्योंकि फीस अब उसको इंटरनेशनल पे करनी पड़ी, हमारे बच्चे जो फीस पे कर रहे हैं उनके लिए पहले वो कम थी जो यूरोप से आते थे। तो यहाँ पे अगर आप 3 साल में अच्छे मार्क्स लेके अपनी बैचलर कंप्लीट करते हैं, फिर आपको 2 साल का टाइम मिलता है स्किल गेन करने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो अगर आप उस 2 साल में एक्सपीरियंस ही नहीं गेन कर पाते, फिर कहते हैं कि यूके में पीआर नहीं, तो वो गलत है। अगर आप 1 से 2 साल के अंदर स्किल गेन करते हैं, एम्प्लॉय ढूंढ लेते हैं जो आपको जॉब ऑफर देता है, जब जॉब ऑफर मिल गया, सैलरी आपको मिल गई डिजायर, तो आपकी पीआर तो सीधी सीधी है। क्योंकि मैंने जो पॉइंट अगर आपने सुने हो, क्या पॉइंट मैंने बोले, जॉब ऑफर के आपको 40 तक मिल जाते हैं, आपकी स्किल से मैच करनी चाहिए, इंग्लिश के 10 नंबर आपको मिलके और 25,000 पाउंड से ऊपर सैलरी है तो आपके 20 वो मिलके, तो 70 पूरे हो गए। तो इस स्किल्ड कैटेगरी के वीजा के अंदर आप एलिजिबल हो, वहां पे आप परमानेंटली रह सकते हो। जरूरत है अवेयर होने की, थोड़ा रिसर्च वर्क करने की और हार्ड वर्क करने की। यूके में पीआर मिलती है, यूके में आप रह सकते हैं, लेकिन
अगर आपके पास स्किल होगा तो ही यूके आपको वेलकम करता है, उनको स्किल्ड बंदे चाहिए। सो फोकस रखें पढ़ने के ऊपर, ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी जैसे करते हैं बच्चे वहां जाके छोड़ देते हैं, तो फिर सोचे कि 5 साल हो गए पीआर नहीं मिली, 10 साल हो गए, तो वहां के लिए हम कोई आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि जो लीगल वे है वो हमेशा ओपन है। अगर आप पढ़ोगे, स्किल गेन करोगे या आगे पीएचडी वगैरह भी करते हो तो भी आपके पास यूके के दरवाजे खुले रहते हैं और वहां पे जिंदगी भर के लिए रह सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आपकी कंफ्यूजन होती है यूके के बारे में। डिटेल में आप ऑनलाइन इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं और किसी वीडियो में बाद में फिर से डिटेल में बात कर लेंगे। अगर आपकी क्वेरी होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो के नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।